एक ग्राम है जटपुरा गन्ना विकास परिषद गोला, चीनी मिल गोला, जिला लखीमपुर खीरी। तो देखिए हमारे साथ अब स्मार्ट गन्ना किसान है श्री अरविंद कुमार सूरी जी, और आप हैं कृष्णदेव पांडे गन्ना पर्यवेक्षक गोला परिषद में, और आप हैं मिस्टर ऋषि पाल, ये सर्किल इंचार्ज हैं जिस खेत में मैं दिखा रहा हूँ, इस क्षेत्र के गन्ना पर्यवेक्षक। गन्ने के साथ सरसों लगा हुआ है, इसीलिए कह रहा हूँ कि स्मार्ट गन्ना किसान, और स्मार्ट गन्ना किसान इसलिए भी कहते हैं कि कोई छिटकवा विधि से सरसों नहीं बोई है, नहीं, लाइन से बोई हुई है, और दो लाइनें हैं, और दो लाइनों के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो भी पर्याप्त है, यानी जड़ें आपस में कंपटीशन नहीं करेंगी। तो आप ये बताइए कि ये जो गन्ना आपने लगाया है ये किस विधि से लगाया? ये ट्रेंच रेजर है, दो लाइन इकट्ठी चलती है, पेयर्ड वाला जुड़वा, जो पेयर्ड रो ट्रेंच होता है उससे इन्होंने ये गन्ना लगाया है। तो कितना इसका रकबा है दादा? एक एकड़। तो गन्ना प्रजाति कौन सी है ये? 14201 है, और COLK 14201 करेली गन्ना प्रजाति, जो शरदकालीन में बुवाई के लिए बहुत ही अच्छी गन्ना प्रजाति है। किस तिथि का बोया है ये? 31 अक्टूबर। टुकड़े इसमें आपने एक आंका प्रयोग किया या दो आंका? दो। तो जब आपने गन्ना बोया सरसों कितने दिन के बाद बोया? साथ ही साथ बोई, जिस पलटा किया है मिट्टी हल से डाली गई है तो उसी लाइन में पीछे से सरसों। अच्छा, जैसे जो सरसों की आपने बुआई किया है जी, ये बहुत ही लाइन से है, तो ये कौन सी मशीन या किस विधि का? नहीं, खाली सिर्फ हाथ से डाला है, लेबर है हमारे पास, वो सरसों बहुत बढ़िया बो देता है उसी। तो जो आपके श्रमिक बंधु हैं उन्होंने ये काम किया? उन्होंने किया। तो इतना सीधा कैसे कर दिया? वो हल चलता है, हल की लाइन के पीछे डालते हैं इसको। ये जो इसके सरसों बोने के लिए आपने कूड़ निकाले? सर नहीं, सरसों बोने के लिए जब गन्ना बोया गया तो गन्ने को झांपने के लिए हल्का सा मिट्टी डाली गई दूर से, हल से। अच्छा, हल्की मिट्टी डाली गई तो वो जो लाइन बनी उसकी हल्की, उसमें धीरे धीरे ये डाल दिया गया। तो यानी जो मिट्टी आपने नाली पे गन्ने गिराई, तो वहाँ जो मिट्टी के हल से गिराते हो? हाँ, हल से गिरा, देसी हल से। हाँ, देसी नहीं है, पलटा हल होता है, लेकिन क्योंकि बीच में 4 फुट की बैल वाला, हाँ बैल वाला 4 फुट की दूरी होती है, तो काफी दूरी से लेते हैं, तो हल्की हल्की मिट्टी उसके ऊपर पड़ जाती है। अच्छा, हल्की। और फिर थोड़ी दो लाइनें बनती हैं उस लाइन के बीच में, तो एक पंथ दो कार्य हो गए। हाँ जी, दो एक साथ दो कार्य कर लिए, तो टुकड़ों पे मिट्टी भी आ गई, मिट्टी भी आ गई। इसीलिए तो कहते हैं कि स्मार्ट गन्ना किसानों के पास जाए तो नया मिलता है, ये पहली टेक्निक मुझे मिली कि आप उससे जो है पलटा से आप मिट्टी गिराते हैं, दूर से गिराते हैं तो ताकि मिट्टी भी हल्की जाए। उधर उधर पलटा किया, इधर इधर पलटा किया, तो वो पलटा का एक तरफ होता है, दोनों तरफ नहीं, चक्कर दो लगाने पड़ते। तो देखिए इन्होंने उससे ही जो है सरसों बो दिया, बिल्कुल सीधी है जिससे मिट्टी इन्होंने गिराया। तो गन्ना आप ज्यादातर शरद में ही बोते हैं, बसंत में भी? ज्यादातर शरद में बोते हैं। कितना गन्ने का उत्पादन आप एकड़ में ले लेते हैं? औसतन 300 350 38 वैरायटी जो है वो तो 400 500। COLK 14201 में? अच्छा, COLK 14201 की कुछ खास बात बताइए। गन्ने का वजन भी बहुत अच्छा है और ट्रिलिंग बहुत अच्छी हो जाएगा, मेहनत चाहता है। अच्छा। मेहनत की जाए, जैसे 84-36 वैरायटी थी पहले, उस तरीके से मेहनत चाहता है और चीज भी सही है। जो किसान 84-36 से अच्छा उत्पादन ले लिया वो COLK 14201 से ले लेंगे, आप लोग ही बताते हैं। सरसों आप इससे पहले भी लेते रहे हैं क्या? हाँ लेते रहे, हमेशा एक लाइन में बोते थे, इस बार मैंने दो लाइन में कोशिश की है। ऐसा क्यों किया? लालच कह सकते हैं आप इसको? नहीं, उस लालच का फायदा आपको नजर आएगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल अब आपको लग रहा होगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो एक लाइन आप लगाते थे वो कम थी। दो के लिए जब जगह मिल रही है तो आपको लगाना चाहिए, और उसमें हमको लेबर भी ज्यादा लगानी पड़ती थी। सरसों के बीच की जो दूरी है ना वो भी बहुत परफेक्ट है, और जो आपने बुआई का तरीका बताया ना जी वो भी पहली बार मैंने सुना। हल से जो है आप बैलों वाला हल मिल जाए, पलटा वाला चलाया, कोड़ पे मिट्टी डालने के लिए, और उससे जो नाली निकली उसमें ध्यान नहीं रखते, थोड़ा सा दूरी से ले मिट्टी, बिल्कुल पास में, ज्यादा मिट्टी गन्ने पे नहीं आनी। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत तकनीकी और जानकारी आपने दिया। ये तकनीकी जानकारी अभी तक हमको किसी ने नहीं दिया, इसीलिए तो प्रयास रहता है कि स्मार्ट गन्ना किसानों से मिले कुछ नया मिलेगा। आपने ये बहुत अच्छी तकनीक बताई, और इसमें अलग से कुछ करना नहीं है ना, अलग आपको गन्ने मिट्टी डालनी है, मिट्टी डालनी है। अच्छा जी, एकड़ में कितना सरसों का उत्पादन हो जाता होगा? 4 क्विंटल तक निकला। आप लोग कहते हैं कि गन्ने का उत्पादन सरसों के साथ इसलिए कम नहीं हो पाता है कि इसकी जो पत्तियां और डंठल है ना, हाँ जी, ये जैसे पोटास डालते हैं वैसा काम करता है। हाँ जी, वो उसी में फिर इसी में सड़ जाता है, उसके डंठल और पत्तियां जब सड़ती है तो बहुत अच्छा काम करता है। ये आप लोग ही बताते हैं, कृषक बंधु बताते हैं। बुआई के समय में इसमें क्या क्या उर्वरक वगैरह डाल देते हैं? इसमें DAP डालते हैं, पोटास। एकड़ में कितना डाल देते होंगे DAP? करीब एक बोरी DAP की डालते हैं, एक सुपर की डालते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट। हाँ जी, आधी बोरी पोटास, आधी बोरी यूरिया। बहुत सही है, संतुलित उर्वरक आप डालते हैं। बीच बीच में फिर क्या डालेंगे?
बीच में जैसे भी देखेंगे वागे, जैसे अब जरूरत है सुपर भी डालेंगे सिंगल सुपर फास्फेट में। सल्फर हाँ, भी मिलता होगा? हाँ, उसमें सल्फर मिल जाता है, सल्फर कैल्शियम भी मिलता है, कैल्शियम मिल जाता है, फास्फोरस तो मिलता ही। हाँ जी, और सरसों के लिए सल्फर बहुत जरूरी है। 14-201 जो है वो थोड़ा मेहनत चाहती है, मेहनत चाहती है, और इसीलिए कहते हैं कि और उसको थोड़ा बढ़ने के लिए समय भी चाहिए, समय भी चाहिए, और खेत में पर्याप्त नमी भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तो नमी प्रिय गन्ना प्रजाति है, इसमें पर्याप्त नमी रहनी चाहिए, इस प्रजाति की दूसरे से तुलना मत करें। वो मुझको ये पता चल गया था, एक मैंने जो 14-201 वैरायटी पिछले साल लगाई, सेले अलग थी, उसके बाद मैंने 60 भी लगाया था, 60 में पानी चलाते थे तो किसी गलती की वजह से पानी टूट गया और उसमें एक सेल में आता रहा। जी जी, जिस सेल में वो पानी आता रहा वो सेल अलग ही बढ़ गई। देखिए आपको अनुभव मिला उससे? वो अनुभव उससे, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये मॉइस्चर लविंग वैरायटी है, मई जून में जरूर चाहिए पानी। हाँ जी, बिल्कुल चाहिए, वहाँ पे बहुत चाहिए, जहाँ पे पीक होता है इसका ग्रोथ का मई जून में, वहाँ पे नमी बहुत पर्याप्त रहनी चाहिए। अगर वहाँ पे मिस किया, नमी जरूर देते हैं, वहाँ पे जरूर सिंचाई जरूर की। तो ये खास तौर से इस गन्ना प्रजाति की एक आदत है, अगर नमी बनाए रखेंगे तो ये गन्ना प्रजाति भी उत्पादन ठीक ठाक देती है। नहीं, गन्ना सही देता है। और बसंत कालीन में इसको ना बुआई करें वही ज्यादा अच्छा है। हाँ, इधर इधर करिए, उधर 15-023 वो सही है। तो शरदकालीन के लिए बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। सरसों ये पीली है काली है? पीली है, पीली है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दिया। अच्छा, आप बताइए कि जो मैंने आपसे बहुत सारा पूछ लिया, हाँ जी, ऐसा आपको लगता हो कि हम पूछ नहीं पाए और आप बताना चाह रहे हो हमारे कृषक बंधु कुछ नई चीज, हमने जो छोड़ दिया हो आप और कुछ बताना चाहें? बिल्कुल ऐसा कुछ मेरे ख्याल से नहीं, सही सही पूछा, कुछ छूटा नहीं? नहीं, हमने तो अपने हिसाब से पूछा। नहीं, सही पूछ लिया आपने। चलिए, अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया, और खास तौर से जो सरसों की आपने बुआई की तकनीक बताई है वो बहुत अच्छी लगी हमको, और हल से बुआई करने के बाद भी इतना स्ट्रेट सरसों आपने लगाई, और आप कह रहे हैं पहले एक लाइन लगाते थे अब दो लगाया, तो ऐसी बात उत्पादन बढ़ेगा, और फिर आपसे पूछेंगे भी कि आप कितना अंतर आया। चलिए, ठीक, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।